को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लगातार बांग्लादेश से भी मांग उठ रही है कि उन्हें वापस भेजा जाए। लेकिन शेख हसीना बीते करीब 50 सालों से भारत के सबसे भरोसेमंद और वफादार मित्रों में से एक है। ऐसे में माना जा सकता है कि भारत उनको न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने या सजा भुगतने के लिए बांग्लादेश को नहीं सौंपेगा। लेकिन अगर उस शख्स पर हत्या और किडनैपिंग जैसे संगीन मामले दर्ज हैं, तो उसका प्रत्यर्पण नहीं रोका जा सकता। चूंकि शेख हसीना पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, इन्हें आधार बनाकर बांग्लादेश की सरकार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर सकती है। भारत और बांग्लादेश के बीच साल 2013 से प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन जानकारों का मानना है कि हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में मामला दर्ज होने के बावजूद दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उनको वापस भेजने की संभावना ना के बराबर है। उन पर 76 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 63 मामले सिर्फ उठ रहे हैं। लगातार बांग्लादेश से भी मांग उठ रही है कि उन्हें वापस भेजा जाए। लेकिन शेख हसीना बीते करीब 50 सालों से भारत के सबसे भरोसेमंद और वफादार मित्रों में से एक है। ऐसे में माना जा सकता है कि भारत उनको न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने या सजा भुगतने के लिए बांग्लादेश को नहीं सौंपेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच साल 2013 से प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन जानकारों का मानना है कि हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में मामला दर्ज होने के बावजूद दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उनको वापस भेजने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन अगर बांग्लादेश सरकार की ओर से हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाता है तो भारत क्या करेगा? हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा था, अगर प्रत्यर्पण की बात करें तो पूरी तरह से काल्पनिक यानी हाइपोथेटिकल सवाल है। ऐसे हालात में किसी काल्पनिक सवाल का जवाब देने की परंपरा नहीं है। हालांकि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि देर से बेर ढाका से इस तरह का अनुरोध आ सकता है। बांग्लादेश के विदेशी मामलों के सलाहकार एम तौहीद ने बीते हफ्ते न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि गृह और विधि मंत्रालय शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मामलों के आधार पर यह फैसला करेगा कि भारत से उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाएगा या नहीं। वैसी स्थिति में दोनों देशों के बीच हुए प्रत्यर्पण समझौते के तहत उनको बांग्लादेश को सौंपना जरूरी होगा। लेकिन हकीकत यह है कि ढाका भी यह बात अच्छी तरह जानता है कि उस समझौते के तहत प्रत्यर्पण का अनुरोध करने के बावजूद शेख हसीना को वापस लाना आसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इस समझौते में कई ऐसी शर्तें या प्रावधान हैं जिनके सहारे भारत उनके प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। कानूनी जटिलताओं और दांव पेच के सहारे भी लंबे वक्त तक प्रत्यर्पण को लंबित रखा जा सकता है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत आए 25 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में कुछ सवाल हर किसी के जहन में है, मसलन ये कि शेख हसीना कब तक भारत में रहेंगी? क्या 1975 की तरह भारत उन्हें लंबे समय तक शरण देगा? अगर ऐसा हुआ तो दोनों देशों के बीच साल 2013 में हुई प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन तो नहीं होगा? शेख हसीना के भारत में रुकने से बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों में तल्खी तो नहीं आएगी? 13 अगस्त को शेख हसीना पर हत्या का पहला मामला दर्ज हुआ, इसके बाद उन पर 76 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 63 मामले सिर्फ हत्या से जुड़े हैं। 22 अगस्त को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना और उनके परिवार के लोगों के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी रद्द कर दिए, जिसके चलते अब उनके भारत में रहने का समय सीमित हो गया है। भारत की वीजा पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी बांग्लादेशी नागरिक के पास भारतीय वीजा नहीं है तो वो सिर्फ 45 दिन तक ही यहाँ रह सकता है। शेख हसीना को भारत आए 25 दिन बीत चुके हैं, ऐसे में कानूनी तौर पर वो सिर्फ 20 दिन और भारत में रह सकती है। पासपोर्ट कैंसिल होने की वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश प्रत्यर्पित किया जा सकता है। हसीना को नया पासपोर्ट हासिल करने के लिए बांग्लादेश की दो जांच एजेंसियों से क्लियरेंस चाहिए, जो कि मिलनी मुश्किल है। 29 अगस्त को शेख हसीना और उनके करीबियों को दी गई विशेष सुरक्षा भी वापस ले ली गई है। ऐसे में एक अहम सवाल उठता है कि अगर बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की तो भारत क्या जवाब देगा? साल 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के यहाँ पनाह ले रहे दबावों को लौटाने की मांग कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक पेच ये है कि भारत राजनीति से जुड़े मामलों में किसी शख्स के प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है, लेकिन अगर उस शख्स पर हत्या और किडनैपिंग जैसे संगीन मामले दर्ज हैं, तो उसका प्रत्यर्पण नहीं रोका जा सकता। चूंकि शेख हसीना पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, इन्हें आधार बनाकर बांग्लादेश की सरकार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर सकती है। साल 2016 में इस प्रत्यर्पण समझौते में संशोधन हुआ था। इस संशोधन के मुताबिक प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश को अपराध के सबूत देने की जरूरत भी नहीं है, केवल कोर्ट से जारी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत से लोग हम में से ये जानते थे कि शेख हसीना एक वजीर आजम है, लेकिन दोस्तों वो एक गुंडा है। उसने अपने अंडर एक यूनियन बनाई हुई थी जिसका नाम था स्टूडेंट फेडरेशन फ्रंट। और दोस्तों ये क्या करते थे, ये पूरे के पूरे लोग जितने भी इस तंजीम से शामिल थे, इन्हें शेख हसीना खुद कंट्रोल करती थी और इसके इशारे पर ही कत्लेआम कर रहे थे। जब स्टूडेंट ने इसके खिलाफ एहतजाज शुरू किया था तो उस वक्त शेख हसीना के इशारे पर ये सारे गुंडे बाहर आ गए थे। दोस्तों उन्होंने आकर लोगों को सामने से गोलियां मारी, यानी सामने आते थे बिल्कुल स्टूडेंट के बेस में आते थे और आकर गोलियां मारकर लोगों को शहीद करके चले जाते थे। और ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, वो लोग कैमरे में कैप्चर हो गए और बाद में ये कहा गया कि ये तो इन्हीं स्टूडेंट में से हैं, ये खुद एक दूसरे को मार रहे हैं। शेख हसीना की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया, लेकिन पता चला कि ये सारे के सारे शेख हसीना के स्टूडेंट फ्रंट के लोग हैं, जिन्होंने आकर स्टूडेंट जो एहतजाज कर रहे थे उनका कत्लेआम किया, उन्हें शहीद किया है। और दोस्तों ये कोई आम नहीं, यानी दो चार बंदे उन्होंने नहीं मारे, जबकि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 600 से ज्यादा बंदा मारा है। दोस्तों बैनुल अक्वामी मीडिया के
मुताबिक 1000 से ज्यादा स्टूडेंट को मारा गया है और दोस्तों बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 300 से 400 स्टूडेंट को मारा गया है, यानी ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। बाहर जितना आप बाहर जाएंगे, जितना आप न्यूट्रल होकर इसे देखेंगे, तो दोस्तों इतना बड़ा कत्लेआम करने वाली ये है शेख हसीना। ये जो आपको बहुत ज्यादा मासूम दिख रही है और भारत में जाकर छुपी बैठी है, इसने इतने ज्यादा कत्लेआम किया है और अब भारत में है। भारत में इसने पहले ही अपने लिए एक दोस्तों बहुत बड़ा कुआं तैयार करके रखा हुआ था। इसने भारत के साथ एक डील की थी जिससे ये होगा कि जो भी क्रिमिनल होंगे, जो कत्ल व गारत के मुजरिम होंगे, अगर वो इंडिया से बांग्लादेश भागकर जाते हैं या फिर बांग्लादेश के हों और वो इंडिया भागकर चले जाएं, दोनों मुल्क ये पाबंद होंगे कि वो उन्हें वापस करें। अब देखें कि ये इसने इतने ज्यादा कत्लेआम किया है और 88 से ज्यादा कहते हैं कि इस पर कत्ल के मुकदमा दर्ज हो गए हैं, तो अब इसे भारत इसे वापस करेगा नहीं तो वो जो मुआहदा है वो तोड़ने का भी भारत को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और दोस्तों इंटरनेशनल मीडिया भी फिर भारत की खबर लेगा और फिर आपको पता है बहुत बहुत बड़े अदारे हैं जो दुनिया में मुआहदे तोड़ते हैं, तो फिर उनकी फटकार लगाने के लिए दुनिया में बहुत से अदारे बने हुए हैं और भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए भारत कभी भी ये नहीं चाहता, भारत हमेशा इस्तेमाल करके फेंकने में मशहूर है। अशरफ गनी को देख लें और दोस्तों दूसरी ये शेख हसीना है, अभी तक भारत में बैठी है, पूरी दुनिया में कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं है। दोस्तों वहां पर बैठी कहां पर है, आप देखें एयरपोर्ट से बाहर निकल ही नहीं सकती। एक तरह से ये समझे कि भारत में आकर जेल खाने में बंद हो गई है। एयरपोर्ट का नाम, जेल खाने का नाम एयरपोर्ट रखा गया है, जहां पर एक कमरा है और दोस्तों वहां पर उसे रखा हुआ है, बाहर नहीं आने देते कहीं पर उसे। भारतीय हुकूमत ये नहीं कहती कि इसने हमारे लिए इतने काम किए, चलिए इसके लिए कोई ना कोई होटल का बंदोबस्त कर देते हैं जहां पर जाकर ये भारत में ही सियासी पनाह में रह सकती है, क्योंकि उसने भारत के लिए 8 बड़े प्रोजेक्ट चाइना से लेकर भारत को दे दिए। कहती थी कि बांग्लादेश अपनी बिजली भी न बनाए, वो भी अडानी ग्रुप से खरीदे, तो वो भी बांग्लादेश अडानी ग्रुप से खरीद रहा था। यानी हर तरह से इसने भारत के लिए काम किया और भारत को देखे उसने लाकर जेल खाने में इसे बंद किया हुआ है, यानी एयरपोर्ट में बंद किया हुआ है, उससे बाहर इसे आने तक नहीं दे रहे। ये होता है जब आप अपने ही लोगों के खिलाफ गैरों का साथ दें, तो आपके साथ भी यही होगा। शेख हसीना के वालिद शेख मुजीबुर रहमान को जब मारा गया था, तब दोस्तों कहा जाता है कि इंडियन इंटेलिजेंस को पता चल गया था कि रात को उसके घर पर हमला होगा और 70 के 70 जो उसके खानदान के मेंबर है उन्हें मार दिया जाएगा, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस ने कोई एक्शन नहीं लिया, उसे मरने दिया, क्योंकि वहां पर ये माना जा रहा था कि शेख मुजीबुर रहमान भी ये समझ चुके थे कि भारत उन्हें वहां पर से ऑर्डर लिख कर दे रहा है, ये करो वरना अंजाम बुरा होगा। शेख मुजीबुर रहमान भी भारत से अपने आप को अलग करने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो भारत ने उन्हें मरने दे दिया, उन्हें बचाया नहीं। जबकि कहा जाता है कि उनके मारने के लिए भी भारत ने काफी मदद की थी मेजर जियाउर रहमान और उसकी आर्मी की। दोस्तों दूसरी तरफ देखें तो फिर शेख हसीना को इस्तेमाल किया। आज शेख हसीना कितनी फंसी हुई है, उसे एयरपोर्ट पर लाकर कैद किया हुआ है। ये नहीं करते कि उसे होटल में किसी जगह पर सियासी पनाह ही दे दे, कहते हैं कि सारा कुछ अमेरिका ही करे। वो इल्जाम भी अमेरिका पर लगा रही है कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई और फिर कहती है कि अमेरिका मुझे पनाह दे। अमेरिका कैसे पनाह देगा जब उस पर इल्जाम आप लगाओगी। और दोस्तों जहां तक यूरोप की बात है, तो यूरोप अमेरिका की बात मानता है, कोई भारत की बात दुनिया में कोई नहीं मानता। भारत की बात तो दोस्तों खुद भारतीय नहीं मानते, भारतीय हुकूमत की तो दुनिया मानेगी। भारत तो दुनिया से भीख लेकर अपना मुल्क और पेट अपना भर रहा है, उसके दुनिया में औकात ही क्या है कि शेख हसीना ने उसके लिए अपना वतन बर्बाद कर दिया है। अगर करती तो चाइना के लिए करती, वो सुपर पावर है, अमेरिका के लिए करती, फिर भी हम कुछ कह देते। उसने साथ किसका दिया है, बनिए का, और वो बनिया जो खुद दुनिया में कटोरा लेकर घूमता है, पैसा मांगता है और फिर दोस्तों अपने लोगों के लिए उसने 50 किस्म की मेडिकल एड, फूड एड, रेजिडेंट एड, हॉस्पिटलाइज एड, क्लाइमेट चेंज इफेक्ट एड, ट्रांसपोर्ट एड, दुनिया से किस किस्म की वो भीख नहीं लेता। जरा आप हिंदुस्तान टाइम्स को खोल कर देख ले कि ये भारत कितना बड़ा भिखारी मुल्क है। और शेख हसीना की दोस्तों अकल पर आपको रोना आएगा, इसने अपना वतन, अपनी हुकूमत एक ऐसे बनिए के लिए कुर्बान कर दी जिसकी अपनी कोई औकात ही नहीं है। दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी पर लाजमी क्लिक कीजिएगा।